नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम आगे के प्रश्न देखते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां लगा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 नंबर आपको लाना है, पूरे 12 में से 12। कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्ट लगा, थोड़ा दिमाग लगाया करो, टाइम लगाया करो। आपके पास टाइम बहुत है, सीपीसीटी के एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास टाइम काफ़ी होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स रीजनिंग के आपको सिर्फ 12 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 12 क्वेश्चन है, आप 20 मिनट में भी इसको सॉल्व करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम काफ़ी होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाया, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन है। जब भी आपको इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, नीचे से सॉल्व करना है। नीचे से कैसे, देखिए यहां से शुरुआत करना है। ऊपर से आप कैसे करोगे, क्योंकि जब तक हमें ये सॉल्व नहीं होगा, फिर ये वाला नहीं होगा, तब हमें ये वाली भिन्न मिलेगी। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए, इसको अगर मैं देखता हूँ तो 2 + 1/4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 × 8 और 1 9, यानी 9/4 जो है इसकी वैल्यू हमें देखने को मिली। यानी इसकी पूरी वैल्यू आप देखोगे कि इसकी 9/4 वैल्यू रहेगी। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के अगर यहाँ पर 9/4 लिखता हूँ, ठीक है, 9/4 लिखता हूँ, तो ये देखिए 4 ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये इसके बटे में है, तो जो भी इसके बटे में संख्या होगी वो ऊपर पहुंच जाती है। यानी यहाँ से 4 हटा के मैं ऊपर लिख दूंगा, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 होगा, तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ से अब हमें समझ में आया कि ये 4/9 हो गया। इसी तरीके से हम ये वाला सॉल्व करेंगे, यानी 1 + 4/9 को करोगे आप, तो 9 और 4 13, 13/9 हो जाएगा ये। तो यानी इस पूरी की वैल्यू आप देखोगे 13/9 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख मिटा के नहीं, 13/9 लिख देता हूँ। 9 नीचे है तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ से अब हमें ये मिल गया। अब देखिए, बस इसको हमें सॉल्व करना है। 13 × 3 = 39 होता है, 39 + 9/13। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 18, और यहाँ से लगा 1 3 और 1 4, यानी 48/13। इसका आंसर देखिए, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को समझ में आया, सबसे पहले हम जो है नीचे से शुरुआत करेंगे, यहाँ से इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से जो है इस वाले को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से कितना भी संख्या दी जो, तो आपको नीचे से ही स्टार्ट करनी है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटी भिन्न पूछी गई कौन सा है। ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर कॉमा लगा, यानी देखिए 2/7 - 6/1/6, इस तरीके से जो है ये संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना रहेगा, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से दी हुई है, 2/7 - 1/6। तो जब तक हमें इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें भिन्न तब तक पता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसको अगर मैं 2/7 - 1/6 को सॉल्व करता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम देखिए यहाँ पर इसको मैं 6 से कर देता हूँ, 6 × 12 - 7/7 = 42। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 5/42, यानी आप देखोगे इसकी वैल्यू 5/42 है। इसी तरीके से आप देखोगे 5/9 - 1/6, इसकी आप देखोगे 6 × 30 - 9/9 = 36, 9 × 45 = 54। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 21/54 ये हो गया। ओके, इसी तरीके से हम ये वाला देखेंगे, 5/8 - 3/8, तो ये तो 8 ही एलसीएम आ जाएगा इसका, और 5 में से 3 जाएंगे तो ये 2 बचेगा, यानी आप देखोगे 1/4 ये हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे ये वाली संख्या, यानी 5/9 - 3/8 दिया हुआ है, तो 8 × 5 = 40 - 9 = 27 / 9 = 72, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे इसमें से घटाऊंगा तो 3 40 में से 27 जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 होगा और ये 13 और नीचे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें फ्रैक्शन में संख्याएं मिल गई हैं, 5/42, 21/54 और 1/4 और 13/72। ओके, तो ये हमें मिल गई। अब इनका हम कंपैरिजन निकाल सकते हैं। अगर आपने हाई कोर्ट, जो एमपी हाई कोर्ट में मैंने मैथ्स का क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि भिन्न सबसे छोटी सबसे बड़ी किस तरीके से आपको पहचानना है। देखिए, अगर आप 5/42 से इसका डिवाइड करोगे, तो आप जाहिर सी बात है पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी जो आपको
थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसी तरीके से 21 का डिवाइड आप जो है 54 से करोगे, और 1 का डिवाइड आप 4 से करोगे, 13 का डिवाइड आप 72 से करोगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो देखिए मैं यहाँ से सबको पहले मिटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दो दो में कंपैरिजन करूंगा पहले, तो ठीक है। देखिए ये 5/42 है, 21/54 है ये, और यहाँ पर 1/4 है, और ये 13/72, 13/72, ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करता हूँ, यानी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। तो देखिए 5 को 20, 8 से लगा 2, 5 25 और 2 27, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 42 × 21 है ये, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो 21 × 42, 8 से लगा 2, 5 से लगी 2, 5 से लगा 4, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 84। तो ये 8 8, यानी यहाँ से आप देखो कि 8 8 2 जो है ये हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या बड़ी है, यानी हमें यहाँ पर सबसे छोटा निकालना है, तो ये वाली छोटी है, यानी ये जो भिन्न है ये वाली छोटी है, ठीक है। तो ये वाली छोटी भिन्न हमने किससे निकाली थी, इससे निकाली थी ना, ठीक है। तो इसको हमें मार्क कर लेना। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 72 में होगा तो 72 ही होगा, और 13 26 43 13 4 52 होता है। तो जाहिर सी बात है ये वाली संख्या हमें छोटी दिख रही है, ये वाली भिन्न, तो ये वाली हमारी ये वाली थी, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी छोटी होगी, तो इन दोनों में कंपेरिजन कर लेते। देखिए 5/42 तो ये दिया हुआ है, और 13/72 ये दिया हुआ है, ओके। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 × 2 = 10, 8 से लगा 1, 5 × 7 = 35 और 1 × 36 = 360 हो गया, 13 × 2 = 26, 5 से लगा 2, 13 × 6 = 52, और ये हो जाएगा 54। यानी अब देखिए ये वाली संख्या हमें बड़ी देखने को मिल रही है, जो कि 13/72 है, तो ये सबसे छोटी है, यानी आप देखोगे ये पहला ही जो दी हुई है ये सबसे छोटी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही जो है इसका आंसर हो, ओके। तो ऐसे आप क्वेश्चन को करोगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको सीधे सीधे यहाँ पर दो वैल्यू में ऐसे वैल्यू हैं जिनको आप आसानी से कंपैरिजन कर पाओगे। अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में भी थोड़ा आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राजू राधा रजनी एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने में 240, 60 और 180 सेकंड लगते हैं, यदि वह एक बिंदु एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह प्रारंभिक बिंदु पर फिर से कितने समय बाद मिलेंगे। एक ट्रैक है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे क्या है, दौड़ना शुरू करते हैं, राजू हो गया, राधा होगा और रजनी होगी। अब मान लो यहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया, तो ये लोग चक्कर किस में, मान लो राजू जो है 240 सेकंड में लगा रहा है, 60 सेकंड में राधा लगा रही है, और रजनी जो है वो 180 में। तो ये आप देखोगे ये जाहिर सी बात है ये राजू जो है थोड़ा टाइम लेगा, राधा जल्दी पहुंच जाएगी, तो ऐसा कौन सा समय आएगा कि फिर से जो है ये कितने समय बाद फिर से इसी बिंदु पर तीनों मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 240, 60 और 180 इनका एलसीएम ले लेना है, बस एलसीएम ले लो, वही हमारा आंसर। देखिए इसके एलसीएम देखेंगे, सबसे पहले तो सब में 0 है ही है कॉमन, यहाँ पर 24, 6 और 18, तो 24 सबसे बड़ी है, ठीक है। इसी में हम कर लेते हैं, 240 है तो 240 इससे कटेगी क्या, इससे तो कट जाएगी, अब इससे कटेगी क्या, आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 24/18, यानी 6 चौक 24 और 6 3 18, तो यानी हमें देखना पड़ेगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा तभी जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें और कर देता हूँ। अब ये क्या है, ये सेकंड में है, हमें मिनट में बात करनी है। अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 6 और ये कितना, 2 12 × 24, यानी ये 12। तो यहाँ पर हमने देखा कि 12 मिनट बाद जो है ये फिर से मिल जाएंगे, तो समझ में आया, तीनों का एलसीएम ले लेना है, सेकंड में था मिनट में कन्वर्ट कर दिया, आसान से आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक टंकी है, एक पाइप ए एक खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप बी के साथ मिलकर यह पाइप इसी टंकी को खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है, तो पाइप बी इसी
खाली टंकी को अकेला कितने में भर लेगा। पाइप ए है 14 में भर रहा है, और अगर ये पाइप ए और बी दोनों मिलकर देखा जाता है तो 10 घंटे में ही भर लेते हैं। तो हमें बी का पूछेगा कि बी अकेला कितने देर में। तो टोटल क्वांटिटी निकाल लो, यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम आप लोगे यहाँ पर 14 42 14 70, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 और ये 7। अब हमें बी की निकालनी है केवल। तो आप देखिए ये तो ए की है, ये ए और बी की है, तो इसमें से घटा दूंगा तो मुझे बी की मिल जाएगी। तो 7 में से 5 घटाऊंगा तो यानी जो बी की एफिशिएंसी होगी वो 2 होगी। भाई ए की 5 है, दोनों की मिला के 7 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। टोटल हमें पता है कि उसकी क्षमता टंकी की है उसमें 70 है। ए की बी की एफिशिएंसी हमें पता है 2 है, तो बी का हम निकाल सकते हैं। देखिए 35 जो है इसको घंटे लगेंगे भरने में। बी अकेला अगर उस टंकी को भरता है तो 35 घंटे लगेंगे। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दो बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रमशः हमें दिया हुआ है, तो बड़े बच्चे की आयु निकालनी है। मान लिया ए और प्लस बी, ये दो बच्चे, इनका आयु का योग दिया हुआ है 33, और ए माइनस बी जो दिया हुआ है इनकी आयु का अंतर है 3। बस हमें क्या निकालना है? बड़े बच्चे की। तो देख लेते हैं इसमें से, इसमें कट जाएगा प्लस माइनस है, 2a बराबर यहाँ से देखिए 36 ही हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखोगे 2 18, यानी ये हो जाएगा 18। ए की वैल्यू हमें पता है 18 है, तो बी की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ए प्लस बी बराबर जो दिया हुआ है वो 18 दिया हुआ है, वो 33 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ से आप देखोगे 18 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस कर दूंगा, तो 33 में से 18 जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 2 बचेगा यानी 15। हमें क्या निकालना है? बड़े बच्चे की। तो ये तो 15 है और ये 18 है, तो बड़े बच्चे की क्या हो जाएगी? 18, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये हमें डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसमें हमें PQRST, ये वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र है, परसेंटेज दिया हुआ है इनका। तो हमें पूछा गया है कि क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल देखा जाता है इतना। क्यू राज्य का, क्यू आप देखोगे इसमें 22% है, टोटल हमें दिया हुआ है इतना। टोटल भाई ये कितना होगा? टोटल 100% होगा। आप देखोगे 14 18 12 34 और 22, ये टोटल मिला के जो है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 6170। तो 1% की आप वैल्यू देखोगे 617 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई 00 से 00 कट जाएगा, तो ये 1% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? क्यू की। क्यू हमें 22% दिया हुआ है, तो 22% की वैल्यू निकालनी है। तो बस 22 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी इधर। तो यहाँ से आप देखोगे 2 7 14, वहाँ से लगी 2 3 और 2 6 12, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 7 5 3 और 1, 13 574, ठीक है। तो 13 574 स्क्वायर किलोमीटर जो रहेगा इसका आंसर आ जाए। ओके, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन। आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप से बने होंगे क्वेश्चन। अब हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया हुआ है एक समूह 3 18 36, तो ऐसा ही हमें निकालना है इससे रिलेटेड। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें जो है किस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। देखिए 3 से 18, 3 में 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 18 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 18 से 36, यानी 18 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 36 मिल रहा है। तो पहले 6 का है फिर 2 का है, तो यहाँ पर देखिए 2 5 10 है, जबकि यहाँ पर 6 का हो रहा है, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। इसी तरीके से आप देखोगे 6 6 24, तो ये 4 6 24 होता है, यानी इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो रहा है, चलो ये तो ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 48 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 18 से 36 हो रहा है। भाई ये वाला सही है हमारा, क्योंकि ये रूल जो है इसमें लग रहा है वही रूल ये फॉलो। बाकी आप देखोगे 6 7 42, ये नहीं होगा, 12 6 72, और ये आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होता है 144, तो ये 96 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या? सेकेंड ऑप्शन इस आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ए डी ई दिया हुआ है जिसका रिलेशन इस तरीके से। तो देखिए ए से बी सी फिर डी आया है 2 छोड़ के, फिर डी के बाद ई आया है डायरेक्ट। इसमें देखिए डी ई फिर एफ एफ, फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है, एफ जी जी आ गया,
फिर यहाँ पर देखिए एच आई जे, यानी इसमें यहाँ पर दो छोड़ा है और इसमें दो के इसमें बाद में छोड़ा गया है, तो इसमें इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। देखिए के एल एम एन ओ, यहाँ पर देखिए शुरू में छोड़ा गया है, तो जैसे कि यहाँ पर छोड़ा गया था शुरू में बी और सी, तो आगे हमें लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में चुनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें ओ दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ई के बाद एफ आया है सीधा, तो ओ के बाद क्या आ जाए, ओ पी, फिर क्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें एफ जी दिखा है, तो डायरेक्ट ही कोई डिफरेंस नहीं, अगला है नेक्स्ट प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें दो हटा के नहीं तीसरा लेना पड़ेगा, तो पी क्यू आर एस और टी, ये दो हटा दिया तो टी, यानी यहाँ पर हमारा देखिए पी क्यू टी जो है ये आना चाहिए, तो देखिए पी क्यू टी यानी सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न है, देखिए एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इधर से इधर की ओर, ये कोई नदी है, ये ऐसे करके बह रही है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ बह रही है, मैंने ये एरो लगा दिया, और मार्ग में बाई ओर मुड़ती है, बाया मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो इधर मुड़ेगी, ठीक है, और एक पहाड़ी के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाते हुए, एक पहाड़ी है यहाँ पर और एक अर्धवृत्त बनाते हुए, और फिर समकोण पर एक अर्धवृत्त बनाया, मान लो इस तरफ बनाया, ठीक है, ऐसे करके इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये अर्धवृत्त बन गया यहाँ पर, ये पहाड़ी है मान लो ये वाली, और इसको जो है अर्धवृत्त बना दिया। अब यहाँ पर फिर समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री पर, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर बाई ओर मुड़ जाती है, यानी इस तरफ थी तो जाहिर सी बात है इधर ही मुड़ेगी, नहीं बाई ओर मतलब आप देखोगे इधर मुड़ेगी तो ये पहाड़ की तरफ है, ठीक है, तो पहाड़ की तरफ तो नहीं मुड़ेगी, यानी हमने देखा कि इस तरफ से हमें देखा तो इस तरफ से हमें जो है अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा, तब हमारा बाई इस तरफ मुड़ेगा। तो अंततः पूछा गया है कि किस दिशा में जो है वो बह रही है, तो किस दिशा में ये आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे ये जो है पूरब था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था, ये दक्षिण, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर की तरफ, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके तो यहाँ से अर्धवृत्त बनाया, एक बार देखिए एक नदी पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है यानी इस तरफ बह रही है, और मार्ग में बाई ओर मुड़ती है, तो बायां मतलब इस तरफ होता है, तो इधर मुड़ गई, ठीक है, और एक पहाड़ी के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाते हुए, तो अर्धवृत्त इधर बना दिया है, और फिर समकोण पर अगर देखा जाए तो इस तरफ हो रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, तो बाईं ओर इधर मुड़ी, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर। ओके अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राशि ने कहा, मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है, इसकी ओर इशारा करते हुए राशि कह रही है कि वह मेरे पति की, राशि ये रही वह मेरे, इसका पति, ठीक है, इसका पति की पत्नी, अब पति की पत्नी तो खुद ही हुई ना भाई, पति की पत्नी खुद ही होती है, खुद ही तो बोल रही है कि वह मेरे पति की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है इसका पति ये हो गया तो इसकी पत्नी ये हो गया, यानी राशि ही जो है इसकी पत्नी है, ठीक है, पत्नी की बेटी, उसकी बेटी का ये भाई है, तो जाहिर सी बात है मंच पर उस आदमी से राशि से क्या संबंध होगा, तो ये इसकी बेटी का भाई है, यानी राशि जो लगी वो माँ लगी, और जो जो मंच पर बैठा हुआ है आदमी वो बेटा लगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाँ अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें संख्या दी हुई है 30K2Q3J6T5, यहाँ पर अलग अलग हमें सिंबल दिए हैं, देखिए क्यू का अर्थ योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर योग हो जाएगा, J का अर्थ गुणा दिया हुआ है यानी यहाँ पर गुणा हो जाएगा, T का अर्थ घटाना यानी यहाँ पर घटाना, और K का अर्थ यानी भाग यानी वहाँ पर, तो देखिए 30/2 तो ये हो गया, प्लस ये 3 है इंटू 6 और ये -5, तो ये 15 ये हो गया, और 18 -5 यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया हुआ है हमें, ये क्वेश्चन पूछा गया दरअसल, ये मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शामिल किया है इसमें, ठीक है, तो वेन डायग्राम अंक एक समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या को इंगित कर रहा है ये, ठीक है,
और इसमें 50 व्यक्तियों को सर्वेक्षण में बताया के बाद तैयार किया गया है और 10,000 की आबादी में कितने लोग कम से कम 2 अखबार पढ़ने जाने की आशा की जाती है। तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं कम से कम 2 अखबार पढ़ रहे हो। नहीं, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ये पेपर 3 है। तो वेन डायग्राम में आपको पहले तो देखना आना चाहिए। देखिए, ये जो केवल दिया हुआ है, ये केवल एक ही पेपर पढ़ रहा है। ये वाला आप देखोगे, ये भी एक बार पढ़ रहा है, और ये वाला भी देखोगे पेपर 3 पढ़ रहा है। अब यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है, तो इसमें पेपर 2 भी आ रहा है। ये देखिए, ये सर्कल जो है वो पेपर 3 का है और ये पेपर 2 का है। यानी आप देखोगे ये 5 है, इन दोनों में से देख लो, हमें पूछा गया है कम से कम 2 अखबार, तो जाहिर सी बात है ये 5 पढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे ये वाला, देखोगे 8, तो ये 8 हो गया और ये 12 हो गया, और कम से कम 2 का आ गया है, तो ज्यादा भी तो हो सकता है ना, कम से कम 2 है भाई, 3 भी हो सकता है, ज्यादा कितना भी। तो ये आप देख रहे हो, 2 जो देख रहे हो, ये तीनों ही अखबार पढ़ता है, तो इसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखा कि कम से कम 2 अखबार पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या आप देखोगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2 है तो ये हो जाएगा 20, 25, 27। ठीक है, तो 27 हो गया टोटल आबादी। हमें पता है कि देखिए 50 है, तो 50 व्यक्ति हैं जो कि 10,000 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। हमें निकालना कितने की, 27 की, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों तरफ, इधर कर दो और इधर कर दो, 27। तो यहाँ से आप देखो कि 0, 2, 7, 14, 2 3 4, 1 5, यानी 5400, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगली वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।